चलिए आज बनाते हैं चिकन की रेसिपी जो कि बहुत ही शानदार और टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने डाला है खड़े गरम मसाले और तेज पत्ता और बारीक कटा हुआ प्याज डाले। हमारे झारखंड में जो है ना चिकन कुछ यूनिक तरह का बनता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो मैं अपने पापा से बनाने के लिए सीखी हूँ। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है और थोड़ा देर इसे भूनना, ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि हम इसको चिकन के साथ भी पका सकें, ठीक है। और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोगों को किसको किसको चिकन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, किसका फेवरेट है चिकन खाना, ठीक है। मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है भाई, मुझे चिकन बहुत पसंद है और इस तरह बना हुआ बहुत ज़्यादा। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट बता के जाना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे चिकन को मैंने डाल दिया है, प्याज को हल्का भूनने के बाद ही डाल दिया है प्याज को। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि अगर हम चिकन के साथ इसको भूनेंगे फिर वो काला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और क्या करना है ना, हमें मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करना है, ये मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने डाला है नमक, हल्दी साथ में ही डाले और फिर इसे हम धक धक के पकाएँगे, ताकि चिकन में बहुत सारा जो है ना पानी निकलता है वो अच्छे से निकल के सूख जाए और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे इसीलिए, ठीक है। तो इसके लिए हम जब तक ये पक रहा है, भून रहा है, तब तक हम मसाले रेडी कर लेते हैं। तो मैं रहती हूँ हॉस्टल में, तो मेरे पास मिक्सर है नहीं, बाकी आप मिर्चा लहसुन और अदरक को मिक्सर में भी पीस सकते हो। मैंने ऐसे ही बेलन और ग्लास की मदद से जुगाड़ करके इसे कूट लिया था अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से नहीं कूटा बट कोई नहीं चलेगा। ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पर डालना है जीरा पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे सबको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे चिकन, देख सकते हो अच्छे से भून चुका है। तो मैंने इसमें डाल दिया है मसाला। उसके बाद क्या करना है ना, इसे अच्छे से भूनना है, ठीक है, मसालों की, ताकि कच्चापन ना लगे लहसुन लहसुन और ये अदरक का। फिर टमाटर लास्ट में डालें, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप टमाटर डाल दोगे तो फिर चिकन अच्छे से नहीं पकेगा। तो बाद में चिकन डालें और अच्छे से इसे भी पका लें। और क्या करना है ना, जब आप इसे उतारोगे ना, हो जाएगा जब गैस बंद कर दोगे, तो आप इसमें MDH मसाला जो आता है ना चिकन का, उसे डाल देना और धनिया डाल देना, ये काफ़ी ज़्यादा यम लगता है यार। मेरी बातों पे अगर यकीन ना हो ना तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और बताना मुझे कि कैसा बना, ठीक है, कैसा लगा आपको खाने में। और ऑयल जो है ना पूरा भरपूर मात्रा में देना है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। और पूरा देखो मैंने बना लिया है, लास्ट में MDH मसाला भी डाल दिया है और मेरे पास धनिया नहीं था। हॉस्टल में सारा कुछ अवेलेबल नहीं होता है, बट आपके घर में तो होगा ना, तो आप ज़रूर डालना और बनाना, ठीक है, और खाना। और ये देखो मैं चली चावल के साथ इसे खाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना।